दीपावली की सामग्रिक पर्व पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमात्मा भी सबका शुभ मंगल एवं कल्याण करें, शुभ मंगल एवं कल्याण करें। आज के दिवस सादिश में प्रभु राम रावण एवं अन्य राक्षसों को मार के लंका पर विजय प्राप्त करके तो अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की तैयारी में सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों को, आंगनों को साफ किया था, पूजा इत्यादि लगाया था, रंग रोगन किया था और दीपक जलाए थे। तभी से दीपावली का पुण्य पर्व मनाया जा रहा है। अध्यात्म दृष्टि से साथ शुरू, जब हम अपने अंदर साफ कर लें, अपने अंतस्थ में झाड़ू पोछा लगा लें, हमारा अंतःकरण जब साफ हो जाए, उसमें से अज्ञानता का तिमिर मिट जाए, किसी जलते हुए दीपक से अपना दीपक जला लें। जलते हुए दीपक को ही सदगुरु कहा जाता है। बुझा हुआ दीपक वही जला सकता है। उस दीपक से दीपक को जलाती तो अपने अज्ञानता के अंधकार को जब व्यक्ति मिटा देता है तो प्रभु राम का आगमन होता है। दीपावली है दो बातें, एक तो अंदर की सफाई होनी चाहिए, बाहर की भी, भीतरी शौच बाह्य शौच, तथा अंधकार को दीप जलाते तो उसे दूर करें तो प्रभु राम का आगमन होता है। दो शर्तें रखी हैं। सब साधकों को यदि दीपक बुझा हुआ है तो दीपक जलाना चाहिए। आज का दिन इसलिए है, पर हम लोग तो मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश जी की मूर्ति भी पास रखी हुई होती है, लेकिन कौन उनकी परवाह करता है। के पास विवेक के देवता भी हैं। भ्रांति है, हम अज्ञानी है ना, इसलिए भ्रांति है, समझते हैं लक्ष्मी का अर्थ है वित्त धन, एक ही बात है। लक्ष्मी का आना, पैसे का आना एक ही बात मानी जाती है। शास्त्र ऐसा नहीं देवी सज्जनों कहता, वित्त और चीज है, लक्ष्मी और चीज है। वित्त से तो आप वित्त मंत्री होता है, धन वित्त, वित्त से तो आप मकान खरीद सकते हो, बर्तन खरीद सकते हो, कपड़े इत्यादि खरीद सकते हो, लेकिन वित्त आपको मुक्ति का अधिकार नहीं देता। क्या आज का दिन अपने आप को बांधने का दिन है? एक तरफ तो अंधकार मिट रहा है दीपक जला के, और दूसरी तरफ बंधन का अंधकार जो है वह बढ़ रहा है। ये बात समझ में नहीं आती, यही कहना होगा ना, कहीं हमारी समझ में दोष है। वित्त देवियों उसे कहा जाता है जो हमारी वासना के वेग को बढ़ाए वे वित्त। याद रखना इस बात को, आज सोच समझ के पूजन करना, आज सोच समझ के मांग करना। वित्त जो वासना के वेग को बढ़ाए वे वित्त, क्या मांग रहे हो आप? बहुत सोच समझ के बेटा मांग रखना अपनी, इंटेलिजेंट हो आप। साथ में आपने गणेश जी रखे हुए हैं जो विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, वे क्या कहती हैं?
वित्त लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी तो वह है जो हमारी वासना को भी परमात्मा की ओर मोड़ देती है। अब उस लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो। ये लक्ष्मी पैसा नहीं है, ये लक्ष्मी वित्त नहीं है जैसा हम समझ के करते हैं। ये लक्ष्मी वह है जो आपकी पैसे की वासना या अन्य वासना को भी उपासना बनाते तो परमात्मा के श्री चरणों के साथ जोड़ देती है, वह माँ लक्ष्मी है। आज उस माँ लक्ष्मी का इस ढंग से पूजन करना। बहुत बड़ा दिन है साधक सुनो, आज पैसे बटोरने का पैसे मांगने का दिन नहीं है। अपनी वृत्तियों को परमात्मा की ओर मोड़ने का दिन है। भीतर झाड़ू लगवाने का लगाने का दिन है। दीप से दीप जगा के तो अपने घोर तिमिर को मिटाने का दिन है। तब आएंगे राम, तब अयोध्या में पांव रखेंगे राम। ये उनके आने से नहीं हुआ, ये उनके आने से पहले तैयारी हो चुकी हुई थी। तब भगवान ने कदम रखा है अयोध्या में। आप चाहते हो कि आपके जीवन में भगवान राम कदम रखें तो आपको भी ये तैयारी पहले करनी होगी। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे श्री राम, तूने प्रेम से नहीं पुकारा कैसे आएंगे श्री राम, तूने मन को नहीं सुधारा कैसे आएंगे श्री राम। ये उनके आने से पहले की शर्तें हैं। बिना आप सबको बहुत बहुत आज के इस मांगलिक दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खूब हर्षोल्लास से मनाइएगा आज का ये दिवस। मुझे नहीं लगता, मैं गलत भी हो सकता हूं, जितने हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाता है विश्व भर में शायद ही कोई दूसरा पर्व मनाया जाता हो। क्या महिमा है परमात्मा की, वह परमात्मा ही अपनी बातें जाने, पर ऐसा पर्व और कोई नहीं है जो इतनी धूमधाम से इतने हर्षोल्लास से संसार भर में विश्व भर में मनाया जाता हो। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सर्वशक्तिमान।